आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं एच एफ डीलक्स में जीपीएस आपका, और इसमें आपको इंजन ऑन के कनेक्शन बता दूंगा। वैसे हम इंजन ऑन वाला लगाते नहीं है बाइक्स में, प्रेफर भी नहीं करते, तो मैं बस बता दूंगा कि कौन सा इंजन ऑन ऑफ वाला है आपका इसमें। इसके लिए हम सबसे पहले मीटर ले लेंगे, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी बाइक में लगा सकें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चाबी के पीछे से वायर आए हुए हैं ये देख लेंगे। ये चाबी के पीछे से वायर आए हुए हैं, ये दो वायर हैं आपका, ये कनेक्टर था इसमें लगा हुआ था, तो ये चाबी के पीछे से आया हुआ, तो मतलब कि ये आपका डायरेक्ट करंट, वो ये हम कपलर खोल लेंगे और इसमें उसके बाद ये देख लेंगे, ये बैटरी से आया हुआ है, ये डिसकनेक्ट है कम्प्लीटली। और आपका इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे वापसी चाबी के पीछे वाला, और हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब मैं इसको निकालूंगा। अगर बंद हो गई तो मतलब इसमें ऑन ऑफ के कनेक्शन है, इसी के अंदर ऑन ऑफ के कनेक्शन है। एक इसमें डायरेक्ट होगा और एक वायर कटेगा आपका। ये मैंने रेड इधर लगा लिया है, और इसको देख लीजिए, ब्लैक वाला इधर लगाना है, ये वाला इधर लगाना है, इसको 20 पे कर लेना है, क्योंकि 12 वोल्ट है इसमें, इसलिए 20 तक ही चेक होगा। और बॉडी अर्थ मैं आपका यहाँ पर लगा लूँगा, ये देख लीजिए, इसमें अच्छा बॉडी अर्थ आता है। ये आपका, ये आपका हाँ, ये आपका डायरेक्ट है इधर वाला, ये देख लीजिए 12 वोल्टेज आ गई इसमें, 12 वोल्ट आ गए, और इसमें नहीं आ रहा, मतलब इसमें घुमा के करंट जाता है, चाबी ऑन होने के बाद इस वायर के अंदर करंट जाता है आपका, इस वायर के अंदर चाबी ऑन करने के बाद करंट जाता है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है, ये देख लीजिए, मतलब ये वाला वायर कटेगा आपका, ये वाला वायर, ये वाला कौन सा है जिसके ऊपर रेड के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप है, ये एसीसी वायर भी यही है, और इसमें रिले कनेक्शन भी इसी में होंगे, अब हमें पता चल चुका है। अब हम इसमें कनेक्शन कर देंगे फटाफट। अभी मैं इंजन ऑन वाला लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये वायर कट होके इसमें आपके रिले के कनेक्शन हो जाएंगे, और ये हमारा है डायरेक्ट, डायरेक्ट को हम हल्का सा स्प्लाइस करेंगे, इसको भी स्प्लाइस करेंगे, क्योंकि हम अभी इंजन ऑन वाला दे नहीं रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको कट करने की। और इसके अंदर रिले कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कौन सा वायर किस वायर में रिले के कनेक्शन होंगे। ये ब्लैक स्ट्रिप है, इसके ऊपर वायर कनेक्शन, वो रिले के कनेक्शन होंगे। तो बाकी हमारी काफ़ी सारी, एक हमारा वीडियो है स्प्लेंडर का, उसमें आप चेक कर लीजिए कनेक्शन कैसे होते हैं, बहुत ईजी कनेक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें हम इंजन ऑन ऑफ के कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो हम इसके अंदर से येल्लो वायर भी कट कर देंगे। अब हमारा ये बचा है, और इसमें हम इसको चाबी पे कनेक्ट करेंगे। इसमें हम आपका, मैं वो कनेक्शन बता देता हूँ, इसमें हमारा जो है एसीसी लग जाएगा, कोई भी जीपीएस हो सब में ऐसे ही एसीसी लगेगा आपका। इसमें हमारा डायरेक्ट लग जाएगा, और देखिए इसी तरीके से बाइक को स्टार्ट भी करते हैं ये लोग। ये हमारा हो गया, और बॉडी अर्थ जो है हम तुम्हारा इस नट में दे देंगे, या कहीं और दे देंगे, यहाँ पर चाबी के नीचे भी एक नट होता है, बॉडी हम अर्थ हम इधर दे देंगे, ये देख लीजिए, कर लिया, बॉडी अर्थ हम इसके अंदर दे देंगे आपका, इसको खोल लेंगे, इसके अंदर बॉडी अर्थ काफ़ी अच्छा आता है, इस नट को हम निकाल लेंगे, और इसके अंदर हम बॉडी अर्थ दे देंगे, और बाकी जगह बहुत सारे नट हैं, लेकिन वहाँ पे बॉडी अर्थ इतना अच्छा आता नहीं है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप बॉडी अर्थ यहाँ पे भी आता है, अगर यहाँ दे देंगे तो आपका जब भी कोई खोलेगा इसको तो ये आपका अर्थ हट जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी नहीं देते। ये चाबी के लॉक के नीचे ही होता है ये नट, ये लग गया हमारा, अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसके अंदर आपका कपलर में जीपीएस लगा देंगे, और हमारा जीपीएस ऑन हो जाएगा, और अब इसको टेपिंग वगैरह कर देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसको हमने वाइजर कैसे खोला था, ये आपका इस तरह से लगा हुआ था, हमने कुछ नहीं किया, एक नट ये खोला है, सेम नट उस तरफ है, दूसरी साइड है ये खोला है, और एक नट हमने ये नीचे का खोला है, यहाँ पे था एक नट ये वाला, ये देख लीजिए ये नट खोला है, और ये बाहर आ गया ऐसे कैसा ही। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, थैंक यू दोस्तों। और इसके अंदर किसी तरीके का जीपीएस आप इस तरह लगा सकते हैं, और कोई आपको प्रॉब्लम है जीपीएस रिगार्डिंग, तो हमारा चैनल
पे आप देख सकते हैं, और हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में परचेज करना हो तो आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं। और इस तरीके से इसमें एक जीपीएस में सिम डल जाएगी, ये जीपीएस आपका चालू हो जाएगा। ये रहा आपका जीपीएस।